हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आए हैं। ये देखिए, ये मार्च 2022 में केवल 35 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था, और फिर जून 2023 में ये 57 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था, और फिर जनवरी 2024 में ये 127 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था, और फिर ये देखिए जुलाई 2024 में ये 335 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है। देखिए, भारतीय स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनियां लिस्टेड हैं, इनमें से एक अच्छे स्टॉक को चूज करना जो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सके, एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हम आपके लिए ऐसे स्टॉक लेके आते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होती है और जो फ्यूचर में भी आपको एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है ये भी उन्हीं स्टॉक में से एक स्टॉक है। ये देखिए, इसने पिछले एक महीने में 18.56% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, और पिछले छः महीने के इसके जो रिटर्न हैं वो 152% के हैं, और इसके जो ऑल टाइम के जो रिटर्न हैं वो 361% के हैं। तो एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है ये। इसमें प्रमोटर की काफ़ी अच्छी होल्डिंग भी बनी हुई है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी भी है ये। तो ये जो कंपनी है ये मुख्य रूप से जो हाउसिंग और जो अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। तो इसने काफ़ी जो शहरी और जो ग्रामीण आवास योजनाएं बनाते हैं उनको ऋण दिया हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट हाउसिंग जो लोन है वो 54.3% का है, गवर्नमेंट इन्फ्रा जो लोन है वो 45% का है, जो नॉन गवर्नमेंट लोन है वो 0.04% का है, और जो रिटेल है वो 0.3% का है। तो मुख्य रूप से इसका जो बिजनेस है वो लोन देने का ही है। तो जो ये ग्रामीण और जो शहरी आवास योजनाएं होती हैं ये उनको फाइनेंस करती है। अगर इसका टेक्निकल व्यू देखें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 66,863 करोड़ की है, इसका जो 1 वीक का हाई है वो 354 रुपया, और जो लो है वो 58.60 रुपया है, और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.15% की है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 83 रुपया है, और इसका जो ROCE है वो भी 9.24% का है, इसका जो ROE है वो भी 13.2% का है, और इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है वो 4.45% का है, और जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज है वो 1541 करोड़ की है, जबकि इसकी जो टोटल एसेट है वो 93,422 करोड़ की है। तो जो भी ये फाइनेंस की कंपनियाँ मिलेंगी उसमें जो डेट ऑफ इक्विटी होगा वो आपको ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि इनका जो काम होता है वो ऐसा ही होता है, ये पैसा लेते हैं और फिर उसको ब्याज पे देने का काम ये कंपनियां करती हैं। जैसे एक बैंक काम करता है वैसे ये जो कंपनियां हैं ये भी काम करती हैं। और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम की आपको कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी, आप आसानी से कभी भी खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। इसने एक साल के इसके जो रिटर्न हैं वो 466% के हैं, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 354 रुपया, और इसका जो ऑल टाइम लो है वो केवल 18 रुपया है। और ये देखिए, अगर आप इसकी सेल्स देखोगे, सितंबर 2023 में इसने 1865 करोड़ की सेल्स की है, दिसंबर 2023 में भी इसने 2013 करोड़ की सेल्स की है, मार्च 2024 में इसने 2065 करोड़ की सेल्स की है। तो एक लगातार एक अच्छी सेल्स ये जो कंपनी है करने लग रही है। इसकी जो अदर इनकम है वो भी क्वार्टर वाइज 129 करोड़ की, 10 करोड़ की, 16 करोड़ की ऐसे हो जाती है। और ये देखिए, इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर वाइज 700 करोड़ का, 519 करोड़ का, 452 करोड़ का, 446 करोड़ का ऐसे हो जाता है। तो एक लगातार एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये जो कंपनी है जनरेट करने लग रही है। और ये देखिए, इसके ऊपर जो कर्जा है वो 73,996 करोड़ का है, और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो 14,611 करोड़ की है, और ये लगातार ही बढ़ने लग रही है, और इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, 78,894 करोड़, 80,969 करोड़, अभी 93,422 करोड़ की है। तो देखिए, इसकी जो रिजर्व कैपिटल है और इसकी जो टोटल एसेट है और इसकी जो इक्विटी कैपिटल है उसको देखते हुए जब भी चाहे अपने ऊपर लिए गए कर्जे को उतार सकती है। और इसमें जो प्रमोटर हैं उनकी जो होल्डिंग है वो 75% की बनी हुई है, तो पूरी की पूरी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बनी हुई है, और जो FII है उनकी जो होल्डिंग है इसमें 2.70% की बनी हुई है। और ये देखिए, लगातार ही अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाने लग रही है, पहले 1.20% की होती थी, फिर बढ़ा के 1.91% किया, अभी 2.70% कर लिया है। और जो DII हैं ये भी लगातार ही अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाते रहते हैं, मार्च 2024 में 11.39%
DII की होल्डिंग होती थी, जो कि जून 2024 में बढ़ा के 11.65% कर लिया है। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में, उनकी जो संख्या है वो 6,39,411 है। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है 334 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाए। तो ये जो स्टॉक है जैसे ही आपको ये 200 से 270 रुपये की रेंज में दिखाई दे तो ये इस स्टॉक के लिए बेस्ट बाइंग जोन है, तो तब आप अपनी बाइंग को इस स्टॉक में बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इस स्टॉक में इसकी 50 क्वांटिटी हो गया, 30 क्वांटिटी हो गया, ऐसे करके इसको आप बाई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको बाई करके अगर थोड़े बहुत टाइम के लिए भी इसको होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। तो ये जो कंपनी, इसका जो नाम है वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी है। सो दोस्तों ऐसे स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।